सो हेलो माई यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल सादिया मेकअप रिव्यूज। दिस इज मी सादिया, और येस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आपके साथ हूँ। फाइनली आई एम हियर। अभी भी मैं स्टिल अपनी मॉम की घर पर हूँ, और क्योंकि वीडियोज़ को अपलोड करने में काफ़ी टाइम हो रहा था, मैंने कोई भी वीडियो आते वक्त नहीं बनाई थी। मैंने सोचा था चलो यहाँ पर आऊँगी तब बनाऊँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो आज जो है मैं आपके साथ वीडियो जो शेयर कर रही हूँ वो है फेस ब्लीच क्रीम, जो कि है VLCC का ही। इसकी जो है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ इसकी फेशियल की, जो कि डायमंड फेशियल था। लिंक आपको आई कार्ड बटन में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है ना चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो है मुझे अभी रिसेंटली जब मैं आ रही थी ना, तभी मुझे पैकेट इसका रिसीव हुआ, थैंक गॉड कि मुझे ये मिल गया है। तो मैंने कहा कि चलो इसका भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ये किस तरह का है, क्योंकि इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी थी कि ये अच्छा है, वर्क ग्रेट करता है। क्योंकि मैं जॉलिन की ब्लीच क्रीम यूज़ करती हूँ, और इतना मुझे जो है ना जॉलिन की मज़े की नहीं है लगती, क्योंकि हेयर्स काफ़ी ज़्यादा गोल्ड गोल्ड से हो जाते हैं, प्लस दूसरा ये कि थोड़ी सी इरिटेशन होती है स्किन पे। तो इसकी मैंने काफ़ी सुनी थी कि भाई ये अच्छा ब्लीच क्रीम है, एंड ये कैसा है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, सो आप मेरी कोई भी आने वाली वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ब्लीच क्रीम यूज़ की है कि नहीं, और अगर की है तो आपको कैसी लगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने हेयर्स को कवर कर देना है। मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ मेरा ये वाला हेड बैंड, जो कि मैंने अमेज़न से परचेज किया था। बहुत अच्छा कंफर्टेबल है, और ये जो है ना वर्क बहुत क्रिएट करता है, इसलिए मैंने अप्लाई किया है, अपने सर पे मैंने लगा दिया अप्लाई करने को कह रही हूँ। एंड नाउ यहाँ पे हम ले रहे हैं ये वाली क्रीम, जो कि VLCC की है। साथ में मेरे पास ये दो जो है इसके एक्टिवेटर हैं वो मिले हैं, जिनमें से मैं एक जो है ना ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, और ये जो है मेरे पास प्री स्किन पॉलिश है, यानी कि प्री ब्लीच है, जो कि आपको ब्लीच करने से पहले लगाना पड़ती है। यहाँ पर दो साशे हैं मेरे पास, एक मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ देखने के लिए किस तरह से था, एंड नाउ सेकंड मेरे पास है, और ये टू साशे इन्होंने और दिए हुए हैं, जो कि हमें ब्लीच का जो है ना उसके अंदर यूज़ करने होते हैं आफ्टर ब्लीच। तो यहाँ पे मैं जो हूँ फर्स्ट जो है प्री ब्लीच जो ये है ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये एक तरह की आप समझ सकते हैं क्रीम है जो कि अप्लाई करना है। इसका यूज़ करने का मतलब ये है कि जो भी अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना, तो ये जो है जब आप इसको अप्लाई करें तो आपकी स्किन पे कुछ भी यानी कि रिएक्ट ना करे, और जो है ना ये अच्छे से आपकी स्किन को कवर कर दे। अब यहाँ पे जो है मैं ब्लीच क्रीम ले रही हूँ, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी थी, जैसे VLCC की जो डायमंड फेशियल मैंने यूज़ किया था ना, सेम उसी तरह की ही इसकी स्मेल थी, एंड इसीलिए कि मैंने मिक्स कर दिया था। एक्टिवेटर जो है ना मैंने बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्टिवेटर यूज़ करेंगे ना, उससे ये होगा कि आपकी स्किन को ये रिएक्ट कर सकती है, तो एक्टिवेटर बहुत थोड़ा सा मैंने यूज़ किया था। एंड इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, एंड अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर। फेस जो है ऑलरेडी वॉश है एंड क्लीन है। सो अगर आप ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी आप ब्लीच क्रीम ना फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, तो मेक श्योर कि आप जो है ना इसका एक पैच टेस्ट जो है ना वो ले लें अपने हैंड के ऊपर। सॉरी, मेरी जो है ना अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं, क्योंकि मेरा जो है ना गला थोड़ा सा मेरा आई थिंक शॉर्ट थ्रोट हुआ है मुझे, तो जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड इसे लेके बस हमने अपने अप्लाई किया है फेस पे, एंड फोरहेड पे मैंने अप्लाई कर दिया है। साथ साथ जो है मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये जो है ना काफ़ी अच्छा वर्क करती है। अगर आप जॉलिन की क्रीम ब्लीच जैसे यूज़ करते हैं, कोई भी क्रीम ब्लीच यूज़ करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है अब अगर जॉलिन की यूज़ करो ना, या मॉड गर्ल करो, या आई थिंक इसी तरह की पाकिस्तान या इंडिया में अवेलेबल होती हैं, तो वो जो है ना थोड़ी सी रिएक्ट कर देती हैं आपकी स्किन के ऊपर। लेकिन इसने जो है ना ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। इसको मैंने ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था, एंड आफ्टर 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं इसे मैंने वॉश कर लिया था फेस को, एंड ये काफ़ी अच्छी है, एंड बहुत सॉफ्ट स्किन हुई थी मेरी। एंड आफ्टर दैट जो है मैं यूज़ कर रही हूँ इसका ये वाला आफ्टर ब्लीच, हमने जो यूज़ करनी है क्रीम वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी ट्रांसपेरेंट में है, जो प्री ब्लीच थी वो भी ट्रांसपेरेंट कलर में थी, और ये भी जो है ना ट्रांसपेरेंट कलर में थी, एंड स्मेल इसकी काफ़ी अच्छी थी। इसे भी मैंने अप्लाई किया अपने ऑल ओवर द फेस, एंड लीव कर देना है हमने इसको 10 मिनट्स के बाद, यानी 10 मिनट्स के लिए आपने ब्लीच अप्लाई करनी है, एंड देन 10 मिनट्स के बाद जो है ना आपने
ये वाला आफ्टर ब्लीच क्रीम जो है ना वो यूज़ करना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे 10 मिनट्स के बाद। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कर दिया है, अपने फेस को भी वॉश कर दिया है, और ये जो है सुपर सुपर बहुत अच्छी ब्लीच क्रीम है। मुझे कोई इसमें इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई है, एंड स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी इससे हुई है, इरिटेशन मुझे बिल्कुल भी इसमें नहीं हुई। सो या दैट्स ऑल गाइज, एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट सो मेक श्योर गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस माई वीडियोज। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आल्सो कमेंट्स मी ऑन डाउन बिलो कि आपकी वीडियो कैसी लगी है और आप कौन सी नेक्स्ट वीडियो जो है रिव्यू देखना चाहते हैं किस प्रोडक्ट पे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस प्रोडक्ट पे जो है आपके साथ ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँ। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज।